हेलो एवरीवन, आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं और ये वीडियो में हम सीखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बिफोर वी लर्न ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हर एक हेड का पहला जो सेक्शन होता है उसको चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। चार्जिंग सेक्शन आपके नोट्स में मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ चार्जिंग सेक्शन। और चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या, कंडीशन फुलफिल होने पे इनकम को इस हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन है इस हेड में टैक्स करने के लिए कि जो इनकम है वो एक हाउस से होना चाहिए। अभी ना हम लोग थोड़ा गलत समझते हैं, हम लोग है ना, जैसे हिंदी में दो शब्द बोलूं आपको, घर और मकान में क्या डिफरेंस, घर और मकान में क्या डिफरेंस, तो सेम लगता है ना अपने को। पर ऐसा हिंदी पिक्चर में डायलॉग था कि ये जो था वो मकान था, तेरे आने के बाद घर बन गया। नहीं सुना कभी डायलॉग? नहीं, तो मकान मतलब हाउस और घर मतलब होम, और हम लोग दोनों को इंटरचेंज करते हैं। तो ये जो अभी आप क्लास में बैठे हो ये हाउस है, बट ये होम नहीं है। हाउस मतलब चार वॉल और ऊपर छत, दैट इज कॉल्ड हाउस। होम मतलब घर जहां पे हम रहते हैं। तो इट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट इज नॉट इनकम फ्रॉम होम प्रॉपर्टी। मतलब ये घर, सॉरी ये क्लास मैंने रेंट पे दिया, मेरे पास कोई कमर्शियल बिल्डिंग में एक शॉप है वो मैंने रेंट पे दिया, एक बिल्डिंग है पूरा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वो मैंने किसी को रेंट पे दिया, तो वो सबके इनकम यहीं पे टैक्सेबल होगी। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास हाउस है तो हाउस के दो इनकम जनरेट हो सकते हैं, आई मे गिव हाउस ऑन रेंट और आई मे सेल द हाउस। तो घर जब मैंने रेंट पे दिया है तो उसका जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। पर अगर घर बेच दिया मैंने और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल होता है। हेड अलग अलग है, एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है। बट एग्जाम्पल 70 लाख में घर खरीदा था और उसको 1.5 सीआर में बेच दिया, तो जो गेन होगा कितना होगा, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड बिकॉज मेथड ऑफ कैलकुलेशन इधर सीखेंगे कैपिटल गेन्स में, बट वॉट एवर इज द प्रॉफिट दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये घर जब मैं रेंट पे दे रहा हूं तब वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो हाउस प्रॉपर्टी का पहला कंडीशन कि चार्ज होने के लिए हाउस होना चाहिए। इसका दूसरा मतलब कि अगर मेरा सिर्फ लैंड है, ओनली वेकेंट लैंड, और वो लैंड मैंने किसी को रेंट पे दिया, तो वो लैंड से जो रेंट मिला है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा क्योंकि लैंड हाउस नहीं है, तो उसका रेंट टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। दूसरा एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, से मेरा बिल्डिंग है और बिल्डिंग से लगा हुआ लैंड है और वो लैंड मैंने से पार्किंग वाले को रेंट पे दे दिया। मेरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग से आगे जो है प्लेस वो लैंड है, वो लैंड मेरा जरूरत नहीं है मुझे, तो मैंने किसी को रेंट पे दे दिया। वो पार्किंग करवाता है पब्लिक से, पैसे लेता है, मुझे रेंट देता है, तो वो लैंड का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। टेक्निकली उसको ऐसे बोलते हैं लैंड अपर्टनेंट टू अ बिल्डिंग, देन दैट लैंड इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। सिर्फ लैंड है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है, देन दैट लैंड, सॉरी देन दैट लैंड का रेंट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। यहां तक ठीक है? तो पहला कंडीशन है हाउस होना चाहिए।
दूसरा कंडीशन है कि जो बंदा है जिसको इनकम मिल रहा है वो उसका ओनर होना चाहिए. एग्जाम्पल, ए ने अपना प्रॉपर्टी बी को लेट किया, लेट टू लेट मतलब भाड़े पे देना, और बी ने ए को रेंट पे किया. तो ए के लिए ये रेंट टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में. बी ने ए से परमिशन लेके वही प्रॉपर्टी सी को लेट किया, इसको सब लेट बोलते हैं, क्योंकि बी खुद टेनेंट है, ए ओनर है और सी जो है वो सब टेनेंट है. समझ रहा है? तो सी बी को जो रेंट पे करेगा वो रेंट बी को टैक्सेबल तो होगा, बट वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि बी इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है. समझा? ए को जो रेंट मिला वो हाउस प्रॉपर्टी में, बी को जो रेंट मिला वो अदर सोर्सेस में. बी के लिए एक रफली समझ लेते हैं. मान लीजिए बी ने ए को 10,000 रुपया पर महीना रेंट दिया और बी ने सी से 15,000 पर महीना रेंट लिया, तो अदर सोर्सेस में कैलकुलेशन होगा 15 माइनस 10, बी का नेट इनकम कितना है? 5,000 रुपया महीना. क्लियर है? ये अदर सोर्सेस के चैप्टर में हम लोग डिटेल में सीखेंगे. तीसरा कंडीशन है कि वो जो प्रॉपर्टी है, जो हाउस है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस नहीं होना चाहिए. सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस नहीं होना चाहिए मतलब, एग्जाम्पल, ये क्लासेस हैं, ये प्रमाइसिस मेरे हैं. अब ये प्रमाइसिस को मैंने रेंट पे तो दिया नहीं है, ये प्रमाइसिस से मैं क्लास चला रहा हूं, तो प्रमाइसिस से कुछ इनकम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. प्रमाइसिस को यूज कर रहा हूं और क्लासेस से इनकम हो रहा है, तो वो इनकम जो मुझे मिलने वाला है वो ऑलरेडी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स होने वाला है. सो एज सच देर इज नो इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी. बट एग्जाम्पल, वो बाजू वाला प्रमाइसिस भी मेरा है और वो प्रमाइसिस मैंने रेंट पे दे दिया, वहां पे क्लास नहीं चला रहा हूं, तो वहां से जो इनकम मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा. ये बिजनेस के लिए यूज हो रहा है अगर ये प्रॉपर्टी, तो इधर से जो इनकम जनरेट होने वाला है वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स होगा. समझ रहा है? तो तीन ब्रॉड कंडीशन सेक्शन 22 का. पहला कंडीशन कि जहां से इनकम जनरेट हो रहा है वो हाउस होना चाहिए या फिर वो हाउस से जुड़ा हुआ लैंड होना चाहिए. दूसरा कंडीशन कि जिसको इनकम मिल रहा है वो खुद उसका ओनर होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन वो प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस. ठीक है? अभी एक प्रॉपर्टी है, अभी हम बात एक्चुअली करेंगे, काफी सारे सम्स जो होंगे वो होम से रिलेटेड ही होंगे, है हाउस प्रॉपर्टी बट प्रैक्टिकली सारे सम होम के ही होते हैं. मैंने मेरा घर रेंट पे दिया, तो से मेरे पास एक घर है, तो उसके तीन यूजेस हो सकते हैं, तीन यूजेस. या तो वो प्रॉपर्टी, लेट मी राइट सेल्फ ऑक्यूपाइड फर्स्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस. आप सोचेंगे घर जो रेसिडेंस के लिए है उसमें से क्या इनकम होता है, तो ऑफ कोर्स उसमें से कुछ इनकम नहीं होता है, पर उसका क्या टैक्सेबिलिटी है ये चैप्टर में सीखेंगे. दूसरा हो सकता है यूज कि मेरे पास दो घर हैं, एक में मैं रहता हूं और दूसरा घर मैंने भाड़े पे दिया है, लेट आउट. और तीसरा हो सकता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, कि मेरे पास एक घर है, मैं तो उसको रेंट पे देना चाहता हूं पर कोई टेनेंट मिल नहीं रहा है. ऐसा होता है, स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में होता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी बन के रेडी पड़ा है बट वहां पे कोई टेनेंट है ही नहीं जिसको चाहिए.
कितने सारे प्रॉपर्टी आप देखो चलोगे तो वेकेंट पड़े हैं, रेडी है बट वेकेंट है. तो ओनर का इंटेंशन तो है उसको रेंट पे देने का, बट देर इज नो टेनेंट हु इज रेडी टू टेक एट द फिगर कन्वीनियंट और अग्रीएबल टू बोथ. ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को वेकेंट बोलेंगे. हाँ, तो ये तीनों का कैलकुलेशन कैसे करने का वो हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसको बोलते हैं ग्रॉस एन्युअल वैल्यू. ग्रॉस एन्युअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसमें से कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एक फॉर्मेट आपको सिखाऊंगा जिससे बहुत ईजी हो जाएगा सम्स. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रॉस एन्युअल वैल्यू का डिटेल सीखेंगे. थैंक यू.